ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे कि शादी के कितने दिन बाद आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. गॉट इट. तो जनरली जो मैक्सिमम टाइम है वो आप शादी के कितने साल बाद भी डाइवोर्स कर सकते हो. सपोज किसी पर्सन के 20 साल तक का बच्चा है तो उसके बाद भी वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स के लिए पेटिशन डाल सकता है. ये तो हो गया मैक्सिमम टाइम. अब मिनिमम टाइम क्या है डाइवोर्स के लिए? तो मिनिमम टाइम है आप 1 साल के बाद डाइवोर्स की पेटिशन डालोगे मैरिज से. सपोज कोई पर्सन है, उसने न्यू मैरिज किया है, गॉट इट, और वो सेकंड मंथ में बोलता है अपनी वाइफ को कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो उसे सेकंड मंथ में डाइवोर्स नहीं मिलेगा, उसे 1 साल वेट करना पड़ेगा. यानी कि शादी के 1 साल बाद आप डाइवोर्स की पेटिशन कोर्ट में डाल सकते हो. गॉट इट. वो कोई रेयर केस है, अगर आपने शादी की है तो आपको 3-4 महीने में डाइवोर्स चाहिए तो आप डाल तो सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है. ज़रूरी नहीं है कोर्ट आपको डाइवोर्स दे, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, मोस्टली रिजेक्ट होता है. तो शादी के 1 साल बाद आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ.